पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम निकले 1757 ईस्वी में हुआ पलासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। अली वर्दी खां, जो पहले बिहार का नवाब निजाम था, ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक पर का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हरा कर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। 9 अप्रैल को अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खां की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा, इसके लिए कुछ लोगों में उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र होने शुरू हो गए। पर अली वर्दी ने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अंततः वही हुआ भी सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भले ही नवाब बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंद्वी उसके परिवार से ही थी। वह थी उसकी मौसी, और उसकी मौसी का नाम घसीटी बेगम था। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज स्वयं पूर्णिया बिहार का शासक था। उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा, मगर सिराजुद्दौला से ही सावधान हो चुका था। उसने सबसे घसीटी बेगम को कैद किया और उसका सारा धन जब्त कर लिया। इससे शौकतगंज भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया, पर सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हरा कर मार डाला। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण की में फ्रांसीसियों को हरा कर अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद थे, मगर वे बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। पर अली वर्दी खां ने पहले ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दिया था कि किसी भी हालात में अंग्रेज़ों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों को लेकर सशंकित था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। गुसाए नवाब ने 1756 में आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाज़ार पर नवाब का अधिकार भी हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज़ गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप पर शरण ले ली। कलकत्ता में बची खुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर मानिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंप कर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। ऐसे ही परिस्थिति में काली कठोर की दुर्घटना, द ब्लैक होल ट्रेजिडी घटी, जिसने अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाबों में संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों, जिनमें उनकी स्त्री और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम के एक कठोरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए ठान ले। शीघ्र ही मद्रास से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब की अधिकार को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिक चंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दी। बाद में अंग्रेज़ों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेज के सामने समझौता करना पड़ा। अली नगर की संधि। 9 फरवरी 1857 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि अली नगर संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली जानी थी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेज़ों को सारी सुविधाएं, जब्त फैक्ट्री और संपत्ति लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा।
कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। पलासी का युद्ध। अंग्रेज़ इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा न डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उससे नवाब बनाने को लोभ दिया। इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को कासिम बाज़ार, ढाका और कलकत्ता की किला बंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद भी अंग्रेज़ों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अली नगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति में उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांप कर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। इस युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे ने अंग्रेज़ों की सेना का डट कर सामना किया, परंतु मीर जाफर का विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़वा कर मार डाला। युद्ध का परिणाम। पलासी के युद्ध बाय द बैटल ऑफ पलासी के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और अस्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को भी कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली मात्र था। पलासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज़ अब व्यापारी से राजशक्ति के स्रोत बन गए। इसका नैतिक परिणाम भारतीयों पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहाँ से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज़ों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर लिया। थैंक यू।